जब मूड करे हल्का और सादा अंडा खाने की और चाहिए ऑमलेट तो बनाए हमारी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। एक नई रेसिपी जो है सिंपल ऑमलेट, होप्स सबके घर में ये बनती होगी, लेकिन मेरी जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, आप लोग देखें, होप्स आप लोग मज़ा आए। जिसके लिए मैंने लिया है 3 अंडे, ठीक है, ये 3 ही हैं, ये एक योग जो था ना इसका थोड़ा फट गया था। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ग्रीन चिली जो है मैंने 2 जो है चॉप कर ली थी, ये आप लोग की मर्ज़ी, जितना स्पाइस लेंगे या जितनी चिली लेंगे वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने एक नॉर्मल मसाला लिया है थोड़ा, ये 1/2 टीस्पून, ठीक है। अनियन जो है 1 मीडियम चॉप्ड है, फाइन चॉप की हुई है मैंने, ये मैंने इसके लिए लिया है, ठीक है। अब हम जो है अंडे में सारे तकरीबन सभी ऐड कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ओके। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें सब ऐड कर लिया है, नाउ आई मिक्स इट। अब मैंने इसको गुड मिक्स कर लिया है। अच्छा, एक और बात, जो मैंने स्पाइसेस आप लोगों को बताए उसमें क्वांटिटी जो थी वो आप लोगों की मर्ज़ी थी, मैंने अपनी आप लोगों को क्वांटिटी बताई, आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करके इसको मैं कुक करूँगी या फ्राई करूँगी, आप लोग की मर्ज़ी, एक साथ कर लें या फिर आप लोग की मर्ज़ी एक स्पून का हिसाब ले लें, जो सालन का नॉर्मल स्पून होता है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था आपको, वो स्पून लेकर आप इसमें डालना शुरू कर दें, ये भी एक टिप है। लेकिन अब जिनको जो है वो प्रो हैं, जिन जो प्रोफेशनल हैं, जिनको ईजी होता है, तो वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके फ्राई कर लेते हैं, जो मैं अब करने जा रही हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है उसमें ऐड कर लिया है और इसको मैं गर्म कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें गाइस, मैंने एक अंडे के हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया, ये देखें बाकी पोर्शन जो है वो हमारा मैंने रख दिया है, ठीक है। अब जो है मैं इसको मीडियम आंच में पकाऊंगी ताकि जो ये हमने सब्जियां डाली हैं जैसे अनियन है और रेड चिली है, ये हमारी अच्छे से पक जाए, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत सारी अपने वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, कैप्सिकम हो गया, वो कैरेट हो गया और ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन जिसे कहते हैं, सॉरी, वो हो गया, वो सब भी ऐड करते हैं बल्क फाइनली चॉप करके ना। लेकिन देसी तरीका तो यही होता है कि इसमें प्याज डाल देते हैं, अमूमन जो है वो टमाटो ऐड करते हैं और रेड चिली ऐड करके जस्ट इसमें पका लेते हैं, ठीक है। सो गाइस देखिए, मैंने इसको टर्न ओवर कर दिया है, देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर आया इसका, ठीक है। अब मैं जो है दूसरी साइड से इसको कुक करूँगी, मैंने बहुत स्लो फ्लेम रखा है, यू कैन सी इट। ये देखिए बहुत स्लो फ्लेम रखा है मैंने, इसी फ्लेम में आपने इसको कुक करना है। नाउ यू कैन सी गाइस, ये दोनों तरफ से कुक हो चुका है अच्छे से, अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, ओके। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, छोटी मोटी ईजी और क्विक थी ये बहुत। अच्छा, एक और बात, स्पाइसेस का जो है मैं हमेशा इसलिए कम बताती हूँ ताकि जो है कम नहीं, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही होता है, अगर आप लोग के हिसाब से कम होता है इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए स्पाइसेस हमारे हाथ में होता है, हम उसको जितना कम रखेंगे वो हमारे उतने ही हाथ में रहेगा, ये नहीं कि हम एक साथ ही उसको ऐड कर दें। आप जैसे सॉल्ट मसाला ले लें, हम अगर स्टार्ट में ऐड कर देते हैं ना तो आगे जाकर मतलब एंड में बिल्कुल जब फिनिश हो रहा होता है हमारा खाना मतलब पकने में, तो उसमें ना सॉल्ट हमारा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है पकने में, तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सॉल्ट जो है वो हमेशा एंड पे ऐड करें, ताकि इससे कुछ खाने होते हैं उसमें सॉल्ट हमें शुरू में ऐड करना पड़ता है ना। इसी तरह ऑमलेट में भी ना हम इसको जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर से निकाल तो नहीं सकते हैं, डेट्स वाई मैंने इतने स्पाइसेस बताए आप लोग को। अगर आप लोग को अच्छी लगी मेरी वीडियो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस बटन को दबाना मत भूलिएगा। मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी, एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।